क्लासेस में हम क्लास 9 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के क्लाइमेट टॉपिक के एक सीरीज ऑफ वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें आज जो आप जो सीखने को पाएंगे इस वीडियो में वो है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। ये नाम ही काफी है क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, इंडिया के वेस्ट डायरेक्शन में, दैट इज यूरोप सेक्शन से आ रहा है। साइक्लोनिक होगी ये साइक्लोनिक यानी क्लॉक वाइज मूवमेंट ऑफ एयर है, डिस्टर्बेंस यानी कुछ गड़बड़ होने वाला, डिस्टर्बेंस कुछ गड़बड़ है। तो भाई इसके नाम से आप क्लियर हो गया होगा कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या है, वेस्ट मूव करने वाली क्लॉक वाइज डायरेक्शन की जो हवाएं जो आ रही है वो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस कहलाती है। अभी क्या है कि पहला टॉपिक क्या है कि वेदर फ्लोवन जो हो रहा है ये विंटर मंथ का है, पहला टॉपिक क्या है कि ये विंटर मंथ में होने वाला ये एक मौसम की गतिविधि है। सेकेंड चीज क्या है कि ये मॉइस्चर कहाँ से आ रहा है, मेडिटेरियन सी से आ रहा है, ब्लैक सी से आ रहा है, कैस्पियन सी से आ रहा है, कौन इसको मदद कर रहा है, कौन इसको कैरी ऑफ फॉरवर्ड करा रहा है, वो जेट स्ट्रीम है। आपको पता है जेट स्ट्रीम कहाँ होती है, ट्रोपोस्फीयर लेयर में बहती हुई हवा है, अपर सर्कुलेटरी विंड है। अभी क्या करता है कि मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल कराएगा विंटर मंथ। आप एक सरप्राइज होंगे कि विंटर में भी रेनफॉल होगा, आप महसूस किए होंगे कि विंटर में भी बारिश होती है, जनवरी फरवरी तक बारिश होती है। तो ये जरा देखा जाए कैसे होता है। अभी क्या ये साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया हो गया और ये नॉर्थर्न पार्ट, ठीक। सपोज इन केस ये मेडिटेरियन सी, ये कैस्पियन सी, ये ब्लैक सी है, यहाँ से ये अपर सर्कुलेटरी विंड जो है ये मानसून को, यानी इस मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी का जो मॉइस्चर है उसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके आता है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में कैसे करते आते हैं। अभी क्या ये माउंटेन, हिमालय माउंटेन, हिमालय माउंटेन करेगा इसको दो डायरेक्शन में डिफेक्ट कर देगा, एक ऊपर चली जाएगी हवा तो चाइना मंगोलिया और रशिया चली जाएगी, दूसरी हवा नॉर्दर्न प्लेन की तरफ आ जाएगी, दूसरी हवा किधर आ जाएगी, नॉर्दर्न प्लेन की तरफ आ जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल होगा। अगर मॉडरेट हो रहा है तो रैबी क्रॉप के लिए बहुत फायदेमंद है, गेहूँ की फसल के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर हैवी रेनफॉल हो गया तो बाढ़ आ जाएगी, ये भी प्रॉब्लम है इसके साथ। अभी आपको समझ में आ रहा है कि विंटर में रेनफॉल इससे हो रहा है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस से हो रहा है, किधर से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, कौन से एरिया के मॉइस्चर है, तो मेडिटेरियन कैस्पियन और ब्लैक सी के मॉइस्चर है, कौन कैरी फॉरवर्ड करा रहा है उसको, कौन आगे ले जा रहा है, तो जेट स्ट्रीम उसको आगे ले जा रहा है। क्लियर हो गया। अब आपको समझ में आया कि समर मंथ में बारिश होती है तो वो कौन करता है, वो करता है साउथ वेस्ट मानसून, जो अरेबियन सी ब्रांच है साउथ वेस्ट मानसून एसेंड करती है ऊपर की तरफ, वो समर के मंथ में यहाँ पे बारिश शुरू कराता है। आप एक और चीज सीखा होगा कि तमिलनाडु वगैरह में विंटर रेनफॉल होता है तो वो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, वो नॉर्थ ईस्ट, तो खाली इस पर्टिकुलर रीजन में होता है, लेकिन अगर आप देखें नॉर्दर्न पार्ट में जो बारिश का आया है वो करा रहा है, तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस कर रहा है। तमिलनाडु यहाँ पे तो नॉर्थ ईस्ट मानसून करा रहा है, समर में जो पूरे भारत में बारिश कराने के लिए पूरा टाइटल हो रहा है वो कौन कर रहा है, साउथ वेस्ट मानसून कर रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो में बहुत आसानी समझ में आ गया होगा ये टॉपिक वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए, क्योंकि लॉकडाउन का समय है और बच्चे बहुत परेशान हैं, कुछ सुन नहीं पा रहे हो, और उनका भला करिए और आप उनका भला करते हैं तो आपका ही भला होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए और शेयर करिए।